माँ को सरस्वत नमन। और ये शानदार तिरंगा लहराता हुआ बाबा ब्रह्मदेव ग्राउंड में, क्या बात है। और शुभम जी आइए, ये बहुत अच्छा विषय है कि यहाँ पर चाचा जी श्री रज्जू चौधरी ने आके ध्वजारोहण किया और बच्चों को अपना आशीष प्रदान किया। अपने बीएसएफ सेवाओं के बारे में बताया कि कितनी कठिनता से उन्होंने जो लड़े थे युद्ध 71 के 62 के सेवाएँ दी थी। कैसा लगा सुन के? बहुत मन द्रवित हो गया था ना? मन बहुत द्रवित हो गया था, बहुत ही स्नेह दादा जी को और बहुत प्रणाम उनको। लेकिन शुभम, जब उन्होंने एक चीज़ कही, गौर करी आपने कि जो सत्तु के जो 250 ग्राम का सत्तू का जो शेष भाग था, 5 दिन कैसे खाया, तो एक टिक निकाली कि उसकी पिंडी बनाई जाए ना। ये ऐसी संघर्ष भरी कहानी सुनकर मतलब एक एहसास होता है किस तरह से हमें आज़ादी मिली और हम किस तरह से आज़ाद हुए, किस तरह से आज़ाद हुए। और हमारा भी कर्तव्य बनता है इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, समाज के लिए कुछ करने का। जी जी, उन्हीं से ऐसा हम लोगों को ये उनकी कहानियाँ सुन के ऐसा साहस मिलता है, उनसे ही हम लोग प्रेरित होते हैं। प्रेरित होते हैं। शुभम, ये देश, ये समाज तमाम वीरों को जानता है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मोटा मोटा तो याद ही रहता है सबको, जी, जी, जी। लेकिन तमाम ऐसे भी लाखों लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं बहुत, है बहुत, जो लोग देश के लिए अपने आप को खपा दिए और उन्होंने जीवन में कभी कोई सुख न लिया और अपने लिए कुछ भी न सोचा, उसके बारे में आप कल्पना करिए कि किस तरीके से उन्होंने कैसे। एजेंसी है हमारे यहाँ भारत की, रा के सैनिक मान लीजिए, या हम सैनिक हो या आप सैनिक हो, जी जी जी, उनके बारे में हम आप जान नहीं सकते कि सैनिक है देश का। जी जी जी, वो हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर रहकर देश के लिए त्याग और बलिदान देते हैं। जी जी, ऐसे सैनिक और ऐसे बहुत सारे भारतीय मिलिट्री के सैनिक हैं, अधिकारी हैं, जिनका हमें कभी कभी नाम नहीं आता है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया, उनके लिए उनको सत सत नमन एवं सादर प्रणाम। जी, और देश के लिए, जो देश के लिए सुबह ये पल लगता है बीते ही ना जी, क्योंकि ये जो तिरंगा लहरा रहा है इसकी छाया में हम लोग हैं, लगता है कि ये पल बीते ही नहीं। कुछ कल्पना हमने की है, इतिहास जो बताता है, जो हमारी किताबें बताती हैं कि भगत सिंह के बारे में, जिन्होंने फांसी को, फंदे को कितनी निर्भीता से चूमा था, कभी डर नहीं लगा, मुस्कुरा के उन्होंने चूमा था। और जब वहाँ जो गोरी सरकार ने, जो अंग्रेज जो जेलर थे या जो भी वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आए, बोले कि क्या अपनी माँ से मिलना चाहोगे, तो भगत ने कहा कि माँ को मत लाइएगा, नहीं अगर रोएगे तो लोग कहेंगे कि एक इनकी माँ कितनी कमज़ोर है ना। जी जी, वो पल कैसे रहे होंगे ना? बहुत एक कौड़ा नहीं दे रहे होंगे, जो एक व्यक्ति है, इंसान है, जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर रहा है और ऐसे कठोर शब्द अपने जुबान से कह रहा है। हाँ, कितना तो उसकी कल्पना नहीं सुबह हम देखा जाए तो वो निर्दयी बच्चा भी था। हाँ, निर्दयी था ना, वो जानता था कि माँ तो प्रेममयी है और हमें निर्दयी बनना पड़ेगा। जी, जी, और अगर माँ से मिलूंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा या माँ कमज़ोर हो जाएगी। हाँ, लोग कहेंगे कि ये कमज़ोर माँ का बेटा है तो कमज़ोर ही रहेगा। इसके लिए उसने दया भी छोड़ दी और अपने प्राणों का बलिदान दिया। सत सत नमन।